हाय एवरीवन, मैं हूं नेमत। चलिए बनाते हैं पोटैटो वेजेस। बहुत ही मज़ेदार बनता है, जाड़े के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या दिन के किसी भी समय चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे 4 बड़े आलूओं के साथ बनाया है। सबसे पहले आलूओं को रगड़ रगड़ कर धो लेना है। मैंने इसकी स्किन के साथ ही इसे मोटे टुकड़े में काटा है। इसकी मोटाई लगभग 3/4 सेंटीमीटर है। आसान भाषा में बोले तो एक मोबाइल के थिकनेस के बराबर है। कुछ टुकड़े मैंने यहाँ पर रेड कैप्सिकम के डाले हैं ताकि एक्स्ट्रा क्रंच भी हो जाए और देखने में भी बढ़िया लगे। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पर मैंने तेल डाला है। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, आप चाहें तो इसमें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा हेल्दी बने। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के लगभग चिल्ली फ्लेक्स डाला है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप चिल्ली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई ऑरेगानो का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ड्राई मिंट लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूँ कहें कि इसमें जो भी फ्लेवर डालना है वो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। खटास के लिए आप अमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं या नींबू का रस डाल सकते हैं। इन सब के बाद मैंने एक थिक बॉटम स्किलेट लिया है, इसमें 2 क्यूब मैंने बटर का डाला है ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए। अच्छी तरह से तवा पर स्प्रेड कर दें। और हाँ, पोटैटो वेजेस में क्यूमिन पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें, ये उसका खास फ्लेवर है। आप चाहें तो इस पर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके लिए इस पर आलूओं की पतली परत फैला दें ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। मैंने यहाँ पर गरम तवे को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिया है। अब स्केलेट को ढककर कम से कम 5 मिनट तक मैं इसे पकने दूंगी और इतने में ये 80% गल भी जाएगा। आलूओं के चुनाव में खास सावधानी बरतें। मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाला नया आलू जो कि अंडे के शेप का होता है वही इस्तेमाल किया है। लाल आलू का ये सही नहीं बनता है, इसलिए उसे अवॉइड करें। आजकल ये आलू हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये आलू गल चुका है और अभी ये 80% ही गला है। मैंने छुरी की नोक प्रिक करके इसे चेक भी कर लिया है। अब इसे सावधानी से पलट देना है और इस तरह से पलटना है कि इसका दूसरा सिरा भी तवे के सतह से लग जाए और अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। अब यहाँ पर मुझे फ्लेम को बंद कर देना है। अभी तवे में इतनी गर्मी है कि 3-4 मिनट तक ये बंद चूल्हे में भी पकता रहेगा। तो आप इसे बनाएं, बहुत ही आसान है इसका बनाना और ये बहुत मज़े का बनता है। शाम की चाय के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसे बनाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे तभी आपको इसके मज़ा का सही अंदाज़ा होगा। देखिए ये देखने में ही कितना क्रिस्प और कितना अच्छा दिख रहा है, ये तो देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है। और इसे मैंने तोड़ कर देखा है, ये बिल्कुल मक्खन की तरह गल चुका है, आप इसे देख सकते हैं। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।